अस्सलाम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जॉब अपॉर्चुनिटी। तो दोस्तों, आज की वीडियो एजुकेशन से रिलेटेड होने जा रही है। जैसा कि आप सब जानते थे कि शिरकत महमूद ने दोस्तों 4 अगस्त को मीटिंग करनी थी, जो कि एनसीओसी का इजलास था, जिसमें कि बताया जाना था कि 9th या 11th क्लास के बच्चों को प्रमोट किया जाएगा या उनके एग्ज़ाम लिए जाएंगे। इसके अलावा कौन कौन से इस्लामिक स्कूल खोलेंगे या कौन कौन से इस्लामिक स्कूल बंद कर दिए जाएंगे। इसके अलावा जो बच्चे पास होंगे इख्तियारी मजामीन में नंबर लेके, उनके लाजमी मजामीन में नंबर कैसे लगाएंगे, तो इसका हतमी फैसला आ गया है, जिसकी इन्फॉर्मेशन मैं आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। ये वीडियो की तफसीलात में जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली ऐसी मज़ीद नई इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो ये दोस्तों शिरकत महमूद का ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है, जिस पर कि इन्होंने अपनी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस रिलीज़ किया है, जो कि मैं अभी आपको सुनाता हूँ। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये चीज़ दिखा दूँ, इसमें लिखा गया एग्ज़ाम टू कंटिन्यू एज पर डेट शीट, 5% मार्क्स एडेड टू कंपलसरी सब्जेक्ट। इसमें लिखा गया कि आपके दोस्तों जो पेपर हैं उनको कैंसिल किसी भी तरीके से नहीं किया गया, वो एज़ पर शेड्यूल होंगे। और इसमें जो अच्छी बात आपको बताई गई है कि जो आपके इख्तियारी मजामीन में नंबर्स आएंगे, इनके फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर और मैथ में जो मार्क्स आएंगे, उन्हीं के नंबरों में आपके दोस्तों 5% मार्क्स प्लस कर दिए जाएंगे। जैसा कि अगर आपके 60 नंबर का इस बार पेपर हो रहा है, उसमें आपके 25 नंबर आते हैं या 30 नंबर आते हैं, तो उन नंबरों में दोस्तों 5% नंबर मोर ऐड करके उसके साथ जो भी बुक अटैच की गई है, उसके साथ उर्दू की गई है, इस्लामियात की गई है, तो उसमें एक्स्ट्रा मार्क्स आपके और लाजमी सब्जेक्ट्स में लगा दिए जाएंगे। इसके अलावा पंजाब में दोस्तों जैसे यूनिवर्सिटी 2 अगस्त से खुली हैं, वो वैसे ही ओपन रहेंगी। सिंध के दोस्तों जो स्कूल्स हैं वो भी बंद है, वो भी 8 अगस्त से ओपन कर दिए जाएंगे। इसके अलावा बताया गया कि आपकी 22 लोगों ने दोस्तों 11th क्लास की जो डेट शीट है वो जारी कर दी है, इनके रोल नंबर स्लिप। आप अपनी रोल नंबर स्लिप 22 लाहौर की ऑफिशियल वेबसाइट से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब मैं आपको शिरकत महमूद का ऑफिशियल दोस्तों जो बयान है वो मैं सुना दूं एनसीओसी का। इदारे भी बंद किए और इम्तिहान को भी मुलतवी कर दिया गया, तो वहाँ पे सिंध के एजुकेशन मिनिस्टर से भी ने भी हिस्सा लिया और वो कह रहे हैं कि हम 8 से पहले इन सारे हालात का जायज़ा ले के नया लाए अमल जो है स्कूल ओपनिंग का और इम्तिहानात का वो जारी करेंगे। जहाँ तक बाकी सूबे थे, वफाकी हुकूमत, वफाकी इलाका पंजाब, केपी, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, सब ने यही फैसला किया कि स्कूल जो हैं वो स्टैगर्ड यानी कि बदतरीज स्कूल जो है वो खुलते जाएंगे और अटेंडेंस के हिसाब से 50% अटेंडेंस के साथ वो बच्चे जो हैं वो स्कूलों में आएंगे। यूनिवर्सिटीज़ के बारे में ये फैसला किया गया कि जैसे जैसे यूनिवर्सिटीज़ खुलती हैं वो खुलेंगी और उन पर पाबंदी नहीं होगी, इसी तरह इंटरमीडिएट कॉलेज उन पर भी पाबंदी नहीं होगी, लेकिन थोड़ा सा तशवीश। तो जैसा कि दोस्तों आपने इनके बयान में सुना कि उन्होंने कहा कि किसी बच्चे को प्रमोट नहीं किया जाएगा, और जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी वो आपको इस बयान में मिल जाएगी। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाजमी से कर लीजिएगा। शुक्रिया।